ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता, तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। चलो हमारे बच्चे आगे बढ़ो, चलो चलो चलो। क्या हुआ? आगे बढ़ो हमारे बच्चे, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो, चलो। ठीक, सुनो भी, अपना ख्याल रखना हमारे बच्चे। हम अभी आते हैं, जल्दी आएंगे। से किसी की चलने की आवाज आई, लगता है कि कोई है वहां। कोई है यहां? अगर हो तो मैं आवाज दो, कोई है? तुम यहीं रुकना, कहां हो तुम? कोई है यहां? अगर यहां कोई है तो मैं जवाब दो। कौन हो तुम? क्या हुआ तुम्हें? कौन हो तुम? मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। उठो उठो, इतने घने जंगल में यहां क्या कर रही हो?
बहुत डर लग रहा है। कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे थे, उन्होंने मुझे जंगल में घेर लिया था। बहुत मुश्किल से मैं अपने आप को छुड़ा के आई हूँ, मुझे बचा लीजिए। घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ। हमें बताओ लोगों ने तुम्हें कहाँ घेरा था? हमें रास्ता दिखाओ, हम अभी जाकर उन्हें सबक सिखाते हैं। नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो ठीक है, तुम हमारे साथ आओ, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। हमारे बीच में से चलो, आओ। युद्ध पर जाने से पहले आपने हमसे वचन लिया था कि हम हमारा धर्म नहीं बदले। हर एक वचन और लिया था कि हम अम्मी जान का ध्यान रखें। अब आप ही बताइए हम क्या करें, किस वचन का मान रखें और किस वचन को त्याग दें। यदि पहला वचन तोड़ते हैं तो आपके अपराधी बनते, और यदि दूसरा तोड़ते हैं तो अम्मी जान का जीवन खतरे में आता है। आपका वचन तोड़ने के लिए एक बार आप तो हमें क्षमा कर ही देंगे, पर यदि हमारी वजह से हमारी अम्मी जान को कुछ भी हो गया तो हम जीवन में कभी भी अपने आप को क्षमा नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें कदम उठाना ही होगा, हमें हमारा धन बदलना ही होगा। यही थी वो जगह। तुम यहीं रुको, ये जो भी है मुझे बहुत पसंद है, इसे हर हाल में हासिल करके ही रहूंगी मैं। यहाँ तो कोई भी नहीं है, लगता है कि वो लोग यहां से चले गए। खैर, आओ हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। शुक्रिया। नाम क्या है तुम्हारा? लाबोनी। और हमें ये बताओ कि इतने घने जंगल में तुम अकेली क्या कर रही हो? मेरी माँ ने मुझे कहा था कुछ लकड़ियाँ लेकर आने के लिए, और मैं रास्ता भटक गई। माँ ने कहा भी था कि जंगल में बहुत आगे नहीं जाना चाहिए, ये जगह बहुत अजीब सी है। यहाँ ना बहुत अजीब अजीब सी चीजें होती हैं। मैंने तो सुना है यहाँ आत्माएं और रूहानी ताकतें भी भटकती है। आप इन चीजों को नहीं मानते? नहीं। होना चाहिए, कुछ चीजें ऐसी होती है जो होकर भी नहीं होती, और कुछ चीजें ऐसी जो नहीं होकर भी होती है। सिर्फ उस एक खुदा पर यकीन रखते हैं, और हमारा मानना है कि कभी कोई दिक्कत आए तो बस उसका नाम ले लिया जाए, एक मुश्किल दूर हो जाती है। और हमारी एक सलाह होगी तुम्हारे लिए कि कहीं तक तुम्हें डर लगे तो बस तुम खुदा का नाम ले लो, या फिर जिसकी तुम इबादत करती हो उसका नाम ले लो। यकीन मान, हमारा तुम्हारी मुश्किलें कम हो जाएंगी। आओ चलो, आओ। अच्छा हुआ आप बाहर बगीचे में टहलने आ गए, दिन भर से उदास बैठी हैं। यहाँ आए हैं तो आपको अच्छा लगेगा। मलिका हिंद, आप? आदाब। वो मैं अनार से मिलने जा रही थी तो रास्ते में अजान हो गई, तो यही नमाज पढ़ने बैठ गई। अगर मेरे यहाँ होने से मलिका हिंद के आराम में खलल पड़ा हो तो माफी चाहूंगी।
प्रार्थना और इबादत से कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचता है जिदबार। हमें तो इस बात की प्रसन्नता है कि इतने पवित्र काम के लिए तुमने अंगूरी बाग चुना। वैसे तुम भी 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो? जी, और अब तो जलाली नवरोज आ रहा है तो जब भी मौका मिलता है इबादत करने बैठ जाती हूँ। और जब से शहंशाह जंग पे गए हैं उनके और फौज की सलामती के लिए रोज दुआ करती हूँ। बहुत अच्छा करती हो तुम जिलबाहर, न जाने कब किसकी दुआ काम आ जाए। गुस्ताखी मुआफ बेगम साहिबा, मगर मैदानी जंग से कोई खबर आई है? नहीं। सुना है मरियम मकानी की भी तबीयत ठीक नहीं, कुछ सुधार हुआ है? नहीं, उनका स्वास्थ्य वैसे ही है। आप नाउम्मीद ना होइए मलिका हिंद, अल्लाह पर एतबार रखिए, वो बड़ा कारसाज है। दिल बार बार कहता है कि नवरोज आने तक सब ठीक हो जाएगा, सल्तनत में हर ओर खुशहाली होगी। हम ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं। अच्छा, अब मैं आपकी इजाजत चाहती हूँ हुजूर। खुदा हाफिज। सही कहा था तुमने जिलबहार, नवरोज के दिन तक सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसी पवित्र दिन हम इस्लाम स्वीकार करेंगे। बस पास ही में मेरा घर है, मैं चली जाऊंगी। तुम कहो तो हम तुम्हें छोड़ देते हैं। नहीं नहीं, अगर माँ ने देख लिया पता नहीं क्या सोचेंगे वो। मैं चली जाऊंगी। ठीक है, लेकिन आइंदा कभी रास्ता मत भूलना। खुदा हाफिज। वैसे भी जंगल में बहुत सारे कांटे हैं, लाइए मैं निकाल देती हूँ। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं, हम निकाल। नहीं नहीं, मैं निकालती हूँ ना। अब आप ठीक हैं? हाँ, शुक्रिया। जाओ अपने घर जाओ। खुदा हाफिज। जी। स्वाहा स्वाहा।
मूठ जल्दी मैंने चौकी रख दी। जिस पर ये मारन तंत्र किया है वो 5 दिन से ज्यादा जी नहीं पाएगा। खाली 5 दिन और उसके बाद मोरन। लाबोनी इसे गेछो क्या लाई है आज मेरे लिए? ऐ देखो माँ मुझे क्या मिला। खून। ये तो शाही खून लगता है। ना माँ शाही नहीं शहंशाही। हिंदुस्तान के शहंशाह का खून है ये। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का खून। माँ मैंने उन्हें अपने लिए चुना है। बादशाह हो या फकीर तुम्हें जो चाहिए वही मिलेगा। तंत्र साधना में बहुत ताकत है लाबुनी। इंदू बंगाली बाबा ने तंत्र साधना के हर राज मुझे सिखाया है और हमने तुम्हें। तुम अब तक इतना सीख गई हो लाबुनी कि तुम जिससे चाहो जब चाहो उसे पा सकती हो। तुमने शहंशाह को चुना है कोई फिक्र नहीं। शहंशाह तुम्हारा गुलाम होगा। स्वाहा। माँ तुम ये क्या पढ़ रही हो? सही वक्त का इंतजार कर रही हूँ। अगली काली चौदस की रात हम माँ और बेटी शहंशाह पे प्रयोग करेंगे और उसके बाद शहंशाह तुम्हारे काबू में आ जाएगा। उसके बाद तुम जब चाहो जैसे चाहो शहंशाह को नचा सकती हो। तैयार रहना लाबुनी। बस सिर्फ काली चौदस का इंतजार करो और उस रात को ऐसा टोटका करूंगी ना शहंशाह खुद तुम्हें ढूंढता हुआ यहां आ जाएगा। खेला तो एखन सबे शुरू। मुझे इस काली चौदस का बेसब्री से इंतजार रहेगा माँ।